हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज ये मैंने जो मेकअप किया हुआ है ये मैंने टोटल बीबी क्रीम से किया हुआ है, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई कंसीलर नहीं, ओनली बीबी क्रीम, लैक्मे का कॉम्पैक्ट वगैरह जो भी यूज़ किया है वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये डेली रूटीन के लिए मेकअप बहुत अच्छा होता है। आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, या फिर फंक्शन पार्टी, घर पे, आप कभी भी, मतलब ये बिल्कुल लाइट मेकअप है, आप हमेशा कर सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेस पर लगाऊँगी, मैं यहाँ पर सेरल्स का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसको ये क्या है, फेस पे अच्छे से सेट हो जाता है और ऑयल ऑयल जैसा स्किन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालता, तो ये बहुत अच्छा रहता है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो सबसे आप कोई सा भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप कोई सा भी, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अच्छे से अपने फेस पर लगाऊँगी और इसको जो है 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ूँगी। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको भी जो है अच्छे से डैब डैब करके लगाऊंगी फिंगर से और अच्छे से इसको मैं सेट करूँगी। इसको घिसना नहीं रहता है फेस पे, बस अच्छे से डैब डैब करके दबा के हल्के से फिंगर से सेट करना रहता है ऐसा बिल्कुल। और इसको भी जो है लगाने के बाद में 2 मिनट के लिए छोड़ना रहता है, तो मैं इसको भी जो है प्राइमर को भी जो है मैं 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी बीबी क्रीम। तो यहाँ पे मैं पाउंड्स की बीबी क्रीम ले रही हूँ और इसको मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी, इसको जो है पहले मैं अच्छे से सेक करूंगी, अच्छे से पूरा अच्छे से जो है उसको मिक्स करूंगी पहले, उसके बाद मैं डॉट डॉट करके फेस पे लगाऊंगी। ऐसा देखिए आप, और ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश से ही मेकअप करें, ज़रूरी देखें यहाँ पे फिंगर से भी कितना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फिंगर से भी करके दिखाऊंगी और ब्रश से भी करके दिखाऊंगी आपको। तो मैं फिंगर से अच्छे से जो है पूरे अपने जो ये क्रीम है बीबी प्लस की, इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये ब्लेंडिंग अच्छे से करें। अगर ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो जो आप लोग बोलते हैं ना मेकअप काला हो जाता है, वो इसीलिए होता है। और मैं उसी तरीके से अपने नेक एरिया को भी कवर करूँगी ताकि बिल्कुल इवन टोन दिखे एक जैसा। अब मैं इसको देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से जो है अच्छे से सेट करूँगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर आप जब भी यूज़ करें, मैं इसको पहले पानी में डिप कर ली हूँ, उसके बाद निचोड़ ली हूँ, उसके बाद मैं इसको फेस पे ऐसा कर रही हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसा घिसना नहीं है जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ डैब डैब करके, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो ये हमारे जो फाउंडेशन है हमारा, उसको अच्छे से फिक्स कर देगा फेस पे। और ये होता है पॉलिशर ब्रश, इसको यूज़ करने से क्या होता है कि कहीं भी अगर थोड़ा मोड़ा कहीं भी रह जाता है तो वो अच्छे से इसको सेट कर देता। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा करें, आप फिंगर्स और ब्यूटी ब्लेंडर दो से भी कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, कोई महंगी चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जो नॉर्मल चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हीं से कर रही हूँ। तो अब मैं अपने जो मेरा मेकअप है, जो मैं बीबी क्रीम लगाई हूँ, उसको सेट करूँगी अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो ये मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं इससे ब्रश से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो मेकअप आपका उभर के ऊपर में आ जाएगा और साथ ही साथ स्किन के जो है स्किन पे वो मैच ही नहीं करेगा और वही जो है फिर ब्लैक दिखने लगता है। फिर आप लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारा मेकअप ब्लैक दिखने लगता है, वो इसीलिए ब्लेंडिंग अच्छे से करें। तो अब मैं यहाँ पर कलर बार का काजल यूज़ कर रही हूँ
और ये काजल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मोटा पतला आपको कैसा रखना है। तो मैं ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी, मुझे मैं बिल्कुल नॉर्मल सा लगाऊंगी, बट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए काजल को भी मैं अच्छे से मर्ज करूंगी ब्रश से। एक बार मैं पहले काजल लगाई हूँ, उसके बाद में इसको जो है ब्रश से जो है अच्छे से मर्ज कर लूँगी। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या हमारा काजल बिल्कुल भी फैलता नहीं है और एक जगह इकट्ठा भी नहीं होता। अगर कहीं हो भी जाता है तो ब्रश की हेल्प से जब आप ऐसा उसको मर्ज करेंगे ना तो वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद में कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको काजल को सेट करूँगी। नीचे एक लाइन बना देने से काजल कभी भी फैलता नहीं है, तो ये मैं ज़रूर करूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे काजल हो चुका है। उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो अगर आप घर पे हैं तो आप सिर्फ इतना ही करके छोड़ सकते हैं, जैसे मस्कारा लगा लिए और उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई कर लिए और हो गया। लेकिन अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं या आपको कहीं जाना है, शादी पार्टी अटेंड करनी है, तो उसके लिए मैं इसी में आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ साथ ही साथ। तो मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया और इसके बाद में लगाऊंगी शैडो। तो शैडो में जो है मैं लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डे का मेकअप है तो जो है उसी हिसाब से मैं बिल्कुल लाइट, मतलब लाइट के हिसाब से ही करूँगी। तो ये डे और नाइट कभी भी आप कर सकते हैं, बट शैडो मैं यहाँ पे ब्राउन अप्लाई करूँगी। मुझे ब्राउन अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको कलर पसंद हो। तो मैं यहाँ पे अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी। उसके बाद में लाइट यहाँ पे गोल्डन है, जो मैं अपने आई लिड पे फिंगर्स की हेल्प से लगाऊंगी। उसको बिल्कुल घिसना नहीं है, अच्छे से वहीं पे सेट कर देना है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी ओवर नहीं दिखेगा और बहुत ही सुंदर आई लुक आएगा। उसके बाद जो मैं कलर बार का काजल यूज़ की थी वही मैं लाइनर के तौर पे यूज़ करूँगी। मैं जेल लाइनर या लिक्विड लाइनर कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, मैं काजल से ही लाइनर भी लगा रही हूँ यहाँ पे। और ये बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, आप देखिएगा काजल से भी आप लाइनर कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए, और ये मोटा पतला आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊँगी, मैं मीडियम रखूँगी, बट आप इसको अपने हिसाब से मोटा और पतला कर सकते हैं। तो मैं कलर बार का काजल यहाँ पे अपने जो है लाइनर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, लाइनर के लिए काजल। देखिए आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा लगने लगा है। और विंग्स नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि मैं डे में मेकअप कर रही हूँ। अगर आपको विंग्स पसंद है तो आप साइड से विंग्स भी निकाल सकते हैं। मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी। अच्छे से देखिए, इसमें कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा जो है महंगी चीज़ें मैंने कोई भी यूज़ नहीं की हैं। बीबी क्रीम जो नॉर्मली आप सबके पास होती है, लैक्मे का कॉम्पैक्ट सबके पास में होता है, काजल लाइनर मस्करा सभी के पास में होता है, तो मैंने काफ़ी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रेंज वाला ही सब चीज़ यूज़ किया है। बट ये अगर आप इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है, एक फाउंडेशन का लुक देता है। तो देखिए मैं यहाँ पर अब अपना लिपस्टिक लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लिप्स को शेप दूंगी ब्रश से अच्छे से, और उसके बाद में लिप्स को फिल करूंगी। तो अब मैं अच्छे से लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी। देखिए जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता है तो मेकअप अपने आप फेस पे सेट होने लगता है और भी अच्छे से, और शाइन भी अच्छी सी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे मेरी लिपस्टिक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं लगाऊंगी ब्लशर, तो बिल्कुल लाइट हल्का सा, ये देखिए लाइट पिंक। अगर आप घर पे हैं तो आप ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकती हैं, जैसे कि ब्लशर आप अवॉइड कर सकती हैं, शैडो अवॉइड कर सकती हैं। तो इतने पे भी आप देखिए लिपस्टिक मस्करा इतने में भी कितना सुंदर लुक आ गया है। लेकिन अगर आपको पार्टी में जाना है, आप ऑफिशियल वर्क वगैरह करते हैं उस टाइप की जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये लुक बहुत ही बेहतरीन है।
तो यहाँ पे मैं हल्का सा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही कम मात्रा में। तो देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा ये मैंने बीबी क्रीम से पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।